वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। अगर आप मेरा वीडियो फुल देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा ये क्यों ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे अभी पता चला कि पैम्पर्स ने बहुत ही अच्छा डायपर लॉन्च किया है, तो मैंने सोचा जिनके अभी छोटे छोटे बेबी हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो बहुत ही अच्छे डायपर पहने, बहुत सॉफ्ट डायपर पहने, जिससे वो उन्हें आराम से रात भर नींद आए। तो मैंने ये डायपर अपने बेबी पे यूज़ किए हैं और इसलिए मैं उसके बाद आपको बता रही हूँ कि आपके लिए ये क्यों ज़रूरी है और आपके बेबी के लिए ये क्यों ज़रूरी है, कि आपको ये डायपर क्यों यूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने ये पैम्पर्स का 108 डायपर का ये कार्डबोर्ड में डायपर बुलवाया है। ये मैंने फर्स्ट क्राई से बुलवाया है, तो मैंने इसके एक दो डायपर यूज़ कर लिए हैं। उसके बाद ही मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। तो आप भी ये जान लें कि ये डायपर क्यों ज़रूरी है। मैं बहुत ही दिन से सोच रही थी कि मैं बहुत ही अच्छा डायपर यूज़ करूँ, तो ये पैम्पर्स ने ये प्रीमियम केयर लॉन्च किया है और इसके क्लेम बहुत ही अच्छी हैं, जो मैं आपको बताऊँगी कि ये डायपर में क्या क्या चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो चलिए, ये मैंने पहले ही ओपन कर लिया था क्योंकि मुझे एक दो डायपर यूज़ करने थे जिससे मैं आपको बता सकूं कि ये क्यों अच्छे डायपर हैं। ये वन पैकेट है, ये कार्डबोर्ड में आया था 54 डायपर्स के पैकेट में। ये देख सकते हैं 108 पैम्पर्स प्रीमियम केयर। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ये डायपर बुलवाऊं और मैंने बुलवा लिए और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। आप इसको ज़रूर अपने बेबी पे यूज़ करके ज़रूर देखें। तो आप देखिए, ये है पैम्पर्स प्रीमियम केयर और पैम्पर्स ने बहुत ही अच्छे क्लेम किए हैं, जो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या खासियत है इस डायपर में। आप देख सकते हैं ये 54 डायपर्स है एक पैकेट पे, एंड सेकेंड पे भी 54 डायपर है। मैंने बुलवाया एम मीडियम साइज़, जो मेरे बेटी को यूज़ होता है 7 to 12 kg। अब मैं आपको डायपर दिखाती हूँ कि कैसा इसका डायपर है। तो आप देख सकते हैं ये है डायपर, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट डायपर है, कॉटन लाइक डायपर है। ये बहुत ही सॉफ्ट डायपर है। ये पैम्पर्स प्रीमियम केयर ने 4 क्लेम्स किए हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि ये क्यों मैं एक एक करके आपको बताऊंगी पैकेट के साइड में देखेंगे ये 4 क्लेम्स हैं। और इस डायपर को 5 स्टार मिला हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। तो फर्स्ट है कि डायपर बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस ऑन योर बेबी स्किन, ये फर्स्ट क्लेम है इसका। तो मैं अब इसका डायपर पर बताती हूँ। जब आप इसको ख़रीदेंगे अपने बेबी के लिए तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी सॉफ्टनेस है। आप डायपर को उल्टा करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही सॉफ्ट है। जब आप इसको परचेज करेंगे तो आपको इसका खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना सॉफ्ट है आपके बेबी के लिए। ये 1 ड्राई नाइट के लिए 1 डायपर है,
ये इतना सॉफ्ट है कि जब मैंने ये लिया था फर्स्ट बार, इसे यूज़ अपने बेबी पे किया था, तो मैं थोड़ी देर के लिए तो बस लिए ही बैठी थी कि ये कितना सॉफ्ट है, मैंने इसे पहले यूज़ क्यों नहीं किया। तो जो जिनकी अभी न्यू डिलीवरी हुई है, जिनका अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, उनके लिए मैं बहुत ही हाईली रिकमेंड सजेस्ट करूँगी कि आप ये डायपर ज़रूर यूज़ करें अपने बेबी के लिए। एंड सेकेंड इसका क्लेम है, ये देखिए, एंड सेकेंड इसका क्लेम है कि एलो एयर फॉलो टू बेबी स्किन फॉर ब्रीथेबल ड्राइनेस। आपने देखा होगा कि जब आपका बेबी, जब ये डायपर गीला हो जाता है आपके बेबी से, तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर एयर जम जाती है। तो इस डायपर में एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि आप, मतलब जब बच्चा ये पूरा, यानी इस डायपर का पूरा ये भर जाएगा, तो इसकी जो एयर है इसमें अंदर नहीं रहेगी, ये बाहर निकल जाएगी, जो आपके बेबी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसमें एयर अंदर नहीं जमेगी और ये बाहर निकल जाएगी, जिससे आपका बेबी बहुत ही अच्छे से नींद ले सकेगा। एंड थर्ड इसका क्लेम है कि आफ्टर अ चेंज फोल्ड द पैंट्स एंड सील विथ द टेप फॉर इजी डिस्पोजल। इसमें, इस डायपर में एक चीज़ आएगी, ये है टेप। इस टेप का यूज जब आपका ये डायपर जब डिस्पोजेबल होगा, तो आपको क्या करना है, ये टेप ऐसे निकाल के, ये टेप आपको ऐसे निकाल के इसको फोल्ड करके, इसको फोल्ड करके आपको ऐसे टेप करके इसको फेंक देना है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपने और डायपरों में ये चीज़ नहीं देखी होगी, जो पैम्पर्स प्रीमियम केयर में है। बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं इस डायपर में। फोर्थ इसका क्लेम है कि वेटनेस इंडिकेटर है इसमें। इसमें एक इंडिकेटर आएगा जो आपको बताएगा कि आपका बेबी का डायपर फुल हो चुका है, तो आप इसे हटा दें। तो मैं आपको ये इंडिकेटर दिखाती हूँ, ये आप देख रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे, इसमें ये येलो लाइन है इंडिकेटर। जब ये डायपर फुल हो जाएगा तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये डायपर फुल हो चुका है। आपने और डायपरों में ये चीज़ नहीं देखी होगी, आपको चेक करना पड़ता होगा अपने बेबी को कि आपका बेबी का जो डायपर है वो फुल हो गया है, तो आप इसे हटा दें। पर इसमें एक ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं जो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, जब ये ब्लू, येलो लाइन ब्लू हो जाएगी तो आपको इसे हटा देना है। फिफ्थ स्टार में ये है कि आपका फ्लेक्सिबल बैंड है इस डायपर में, जो मैं आपको बताती हूँ। ये जो आप देख रहे होंगे, इस डायपर में सबसे अच्छी चीज़ ये है और डायपरों से कि इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही चौड़ी है, अच्छी है, कि आपके डायपर, मतलब जब आपका बेबी अगर हैवी होगा तो वो ऐसे नहीं होगी, सिकुड़न नहीं आएगी उसमें, वो ऐसे ही फिट रहेगी। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप जितना आपका बेबी हैवी होगा ये बहुत ही अच्छे से पहन सकता है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट डायपर है ये। इसके साथ मैंने बुलवाया था एक स्पंज फर्स्ट क्राई से, ये देखिए, मैंने अपने ये बेबी के लिए बुलवाया था। तो जब अभी ठंडी आने वाली है, तो मैंने सोचा एक स्पंज बुलवा लूँ, जब आपके बेबी को आप डेली नहीं नहला सकते हैं, तो मैंने ये स्पंज इसलिए बुलवाया था कि मैं इसे गीला करूँगी और अपने बेबी को पोंछूँगी, जिससे मुझे उसे डेली ना नहलाना पड़े। तो आप देख सकते हैं, ये है स्पंज जो मुझे सेल में मिला था 179 रुपीज़ में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। ये बहुत ही सॉफ्ट स्पंज है।
आप इसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कुछ भी चीज़ क्लीन करनी है। तो मैंने सोचा एक बार बुलवा के देखूं कि मुझे किस चीज़ में ये ट्राई करना है। मुझे ये ट्राई करना था इसलिए मैंने ये बुलवाया है। मैंने आपको इस डायपर के बारे में ऑल सब चीज़ें बता दी हैं, बट मैंने एक चीज़ नहीं बताई है कि ये मैंने सेल में बुलवाया था फर्स्ट क्राई से। इसकी मिडनाइट सेल चली थी जो 3 घंटे की थी, तो मैंने जल्दी जल्दी इसका ऑर्डर किया। मुझे पता चला कि इसमें 50% ऑफ़र चल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ का, तो मैंने इसे तुरंत ऑर्डर कर दिया था। मैंने अपने विश लिस्ट में से पहले ही ऐड कर दिया था कि जिससे मैं इस पे इस सेल आए। ये बहुत ही थोड़ा कॉस्टली है, तो मैंने सोचा कि मैंने जब भी ये सेल आए तो मैं इसे तुरंत ही ऑर्डर कर दूँ। तो ये है 2100 रुपीज़ इसका, तो मुझे ये मिला था 1099 रुपीज़ में। इसमें मुझे GST लगी थी कुछ 132 रुपीज़। मैंने ये ऑल चीज़ें बुलवाई थी 1200 रुपये में, जो मुझे सेल में 50% ऑफ में मिली थी, जो मुझे 50% ऑफ में मिली थी, तो मैंने तुरंत ऑर्डर करके इसे बुलवा ली थी। तो आपको मेरा वीडियो कितना हेल्पफुल रहा हो तो मुझे प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू।